लाडली बहना योजना में आवेदन करने वाली बहनों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन अभी से तैयारी प्रारंभ कर रहा है। कलेक्टर ने जिले के सभी ग्राम पंचायत में शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी बहनों के समक्ष आईडी आधार के साथ लिंक हो और बैंक खाते एक्टिव हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 25 मार्च से आवेदन लेना प्रारंभ होंगे। योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज के लिए बहनों को परेशान न होना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने जिले की सभी ग्राम पंचायत में शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजना की पात्र महिलाओं के समग्र आईडी आधार से लिंक हो सके, आधार कार्ड बैंक खाते से भी लिंक हो और बैंक खाता एक्टिव हो, ये सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लाडली बहना अभियान का शुभारंभ हुआ है एंड इसको फॉर्म भरने का तिथि तो है मार्च, आई थिंक 25 तारीख से शुरू होगा। उसके पहले एक प्रारंभिक तैयारी के लेकर, जैसे कि ना समग्र में हमको EKYC ना करना पड़ता है, उसके लिए मतलब हर पंचायत में वार्ड वाइज है ना हम लोग शिविर लगा करके समग्र आईडी में आधार सीडिंग और उनका EKYC का है ना प्रक्रिया के लिए शिविर लगेगा। उसके साथ साथ बैंक्स में किसी का अकाउंट नंबर है उसमें आधार नंबर होना चाहिए और उनको डायरेक्ट DBT का ट्रांसफ़र है ना इनेबल्ड हो जाना चाहिए, और तीसरा अकाउंट है ना डॉर्मेंट ना हो, एक्टिव हो, मतलब उसको लेकर है ना बैंक्स को भी हम लोग है ना डायरेक्शन दे रहे हैं। तो MP ऑनलाइन सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर एंड लोकसेवा केंद्र है और हमारी है ना कितने भी लोकल बॉडीज़ हैं जिनके पास बायोमेट्रिक है ना डिवाइसेस हैं, सो उसके माध्यम से है ना समग्र का EKYC ना कर सकेंगे। बैठक में जाति प्रमाण पत्र के लिए आमजन को होने वाली परेशानी पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जाति प्रमाण पत्र के आवेदन किसी भी बगैर उचित कारण के अस्वीकृत नहीं किए जाएं। अगर अस्वीकृत किया जाता है तो कारणों को स्पष्ट उल्लेख करें। हाँ, डेफिनेटली हमारे नॉलेज में आया है कि ना डॉक्यूमेंट के अभाव से ना जाति प्रमाण पत्र को रिजेक्ट हो जाएगा। सारे SDMs को डायरेक्शन दिए है कि जब तक पूरा जांच RBC रेवेन्यू बुक सर्कुलर में ना क्लियर कट डायरेक्शन है कि ना जाति प्रमाण पत्र के लिए ना प्रॉपर है ना जाँच करे, और जाँच करने के बाद ही मतलब ना डॉक्यूमेंट के अभाव से निरस्त ना करे, जाँच करके उनका उचित जाति है और नियम के अंदर आता है तो उनका जाति प्रमाण पत्र जारी करें। वहीं समर्थन मूल्य की खरीदी पर भी चर्चा की गई। खरीदी 28 मार्च से संभावित है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का सत्यापन करें। कार्य में लापरवाही बरतने कलेक्टर ने दो अधिकारियों को शोकाज नोटिस भी थमाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMP News, इंदौर।